सो आई फ्रेंड्स वेलकम टू बाय स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल हेर विलंग बायोलॉजी इन सिंपल वे ओके सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का हमारा मिशन है कि आपको क्लास ट्वेल्थ के अंदर बायोलॉजी के अंदर नाइन्टी अबव मार्क्स जो है वो मिलने ही चाहिए और आपको वो ज़रूर मिलेंगे चैप्टर नंबर एट हमारा शुरू है जिसका नाम है रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन सो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है सो so, ये जो है ये इसका पार्ट टू सो पार्ट टू में जो है हम यहाँ पर मेकनिज्म ऑफ रेस्पारेशन देखे देखेंगे सो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था रेस्पारेशन देखा था उसके बाद ह्यूमन रेस्पारेटरी सिस्टम देखा था उसमें यहाँ पर नेजिल्स नॉस्ट्रिल्स लैरिंग्स फेरिंग्स ओके okay. उसके बाद लंग्स सो देन ऑलोलस सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में देखी थी सो so, वो आप पहले देख लो बिकॉज वो बेसिक है वो देखने के बाद ये आपको ईजीली समझ में आएगा पार्ट टू तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर टू सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज मेकेनिज्म ऑफ रेस्पारेशन सो फर्स्ट हमने देखा था कि रेस्पारेशन क्या होता है इसकी यहाँ पर डिफिनेशन देखी थी इट इज़ अ इंटर सेलुलर प्रोसेस कैसे इंटरसेलर कैसे कैटेबोलिक है इंटरसेलुलर है फर्स्ट दो सेल के बीच में होती है और कैटेबोिक मीन्स डिस्ट्रक्टिव है जिसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो simple, जो जहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है जैसे कि ग्लूकोज है उसको क्या कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर कन्वर्ट यहाँ पर किया जाता है और उस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे यहाँ पर रेस्पारेशन अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पारेशन रेस्पारेशन होता है लेकिन मैकेनिज़्म क्या है उसका सो टोटल मेकेनिज्म इस वीडियो में जो है बात करेंगे सो रेस्पारेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस सो बायोलॉजिकल मीन्स ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉलिंग इसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये वर्ड यहाँ पर हमने पहले देखा कि रेस्परेशन में क्या होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं बिटवीन किसके बीच में एटमोस्पियर एंड लंग्स सो एटमोस्पियर एंड लंग्स के बीच में क्या होता है तो गैसेज का एक्सचेंज होता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी और वो क्या फॉर्म करता है तो ए टी पी फॉर्म करता है ओके सो ए टी पी फॉर्म होता है और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पर रेस्पारेशन सो रेस्पारेशन सिंपली हम बोलेंगे सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग इन विच क्या होता है इन्वॉल्विंग Exchange of gases between atmosphere and lungs and result in formation of ATP. Then it includes following processes. इसमें जो ये following processes लगेंगे, mechanism of respiration में जो first process है, वो है breathing. उसके बाद है external respiration, then internal and then यहाँ पर cellular. So first देखेंगे हम breathing, उसके बाद देखेंगे external respiration, internal respiration and cellular respiration. So पहले तो हमने ये बता दिया था कि respiration होता है, लेकिन ये जो है, ये detail में है कि mechanism miss असल के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप वो कैसे होता है वो हम देखेंगे मेकेनिज़म ऑफ रेस्पायरेशन में ओके सो फर्स्ट हमने देखा था यहाँ पर क्या था ब्रीदिंग था सो so ब्रीदिंग में यहाँ पर दो है एक है इंस्पायरेशन उसके बाद है एक्सपायरेशन सो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या होता है सो so फर्स्ट देखेंगे हम इंस्पायरेशन सो so, ब्रीदिंग में जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन में उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमको वो है ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग में दो होता है एक होती है एक इंस्पायरेशन दूसरी होती है एक्सपायरेशन प्रोसेस ओके सो इंस्पायरेशन में क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन क्या है द एटमोस्पेयरिक एयर जो एटमोस्फेयर के अंदर एयर होती है इज टेकन इन टू द लंग्स वो लंग्स के अंदर क्या कर ली जाती है इसको हम बोलेंगे इंस्पायरेशन इन In बोले तो आत एंड रेस्पायरेशन बोले तो यहाँ पर एयर ओके सो रेस्पायरेशन में क्या होता है तो रेस्पायरेशन में एयर को अंदर लिया लिया जाता है लेकिन इसमें क्या इन मीन्स यहाँ पर अंदर लिया जाता है बाहर एटमोस्पियरिक जो ऑक्सीजन है और जो अदर गैसेज है उनको हम इनहिल करते हैं उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेशन एंड इट ऑफकोर्स ड्यू टू द प्रेशर वो किससे होती है ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सो गैसेज एक्सचेंज होती है लेकिन कैसे होती है उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है तो वो है प्रेशर प्रेशर फ्रॉम बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फीयर लंग्स एंड एटमॉस्फियर के बीच में क्या होता है प्रेशर फॉर्म होता है और उससे क्या होता है तो यहाँ पर इंस्पायरेशन होता है ओके okay, सो so आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन ये दोनों के बीच में जो है इसका मेन रेस्पायरेशन है तो रेस्पायरेशन कैसे होता है क्यों होता है इसका कॉज क्या है तो प्रेशर है प्रेशर ऑफ एटमोस्पियरिंग लंग्स जो है इसके बीच में प्रेशर फॉर्म होता है और इसीलिए गैसेज अंदर आती है और बाहर जाती है सो इट इज़ एक्टिव प्रोसेस ये एक्टिव प्रोसेस इसमें एनर्जी लगती है एंड इन विच फर्स्ट क्या होता है तो डायफ्रेगम बिकम फ्लैट जो डायफ्रैगम है लास्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था वो ओके सो डायफ्रैगम बिकम फ्लैट वो फ्लैट बन जाता है एंड गोज डाउनवर्ड वो डाउनवर्ड चला जाता है इंस्पायरेशन में जब हम गैसेस को अंदर लेते ओके देन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स सो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रहेंगे वो क्या हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उसका साइज कम हो जाएगा सो द रिब्स जो रिब्स होते हैं एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड सो so, जैसे ही हम यहाँ पर गैसेस को अंदर लेते इनहेल करते उसे बोलते हैं इंस्पायरेशन उसमें क्या होता है तो हमारी जो यहाँ पर रिब्स है वो बाहर आती है स्टमक के ऊपर की रिब्स है देन स्टर्नम जो है वो बाहर आता है आप अपने जो सीमक सिंपली आप क्या करो अपने स्टमक पे हाथ रखो और जो सांस को अंदर लो सो so, देखो आप क्या चेंजेस होते हैं एंड वो आउटवर्ड आएगा बाहर आएगा थोड़ा ओके सो फर्स्ट में क्या होगा वो अपवर्ड मीन ऊपर चला जाएगा और उसके बाद वो थोड़ा बाहर आएगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पर इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन में ये चेंजेस होते हैं ये हमने फर्स्ट में देखा दो फर्स्ट डाफ्रैगम फ्लैट होता है ओके सो डाफ्रैगम बिकम फ्लैट और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है एंड डाउनवर्ड चला जाता है एंड इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे क्या होता है रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड अपवर्ड मीन्स ऊपर एंड आउटवर्ड मीन्स थोड़ा बाहर निकलना सो so, ये चेंजेस होते हैं इंस्पायरेशन में सो so, इंस्पायरेसन में क्या होता है हम सिंपली जो गैसेस को अंदर इन्हील करते हैं ओके एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज़ ये क्या करती है इंक्रीज़ इन द थोरेसिक वॉल्यूम सो हमारा जो थोरैक्स होता है जो हमारे बॉडी के यहाँ पर चेस्ट उसके बाद स्टमक ये थोरैक्स जो है यहाँ पर उसका साइज़ वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है क्यों हो जाता है इंक्रीज़ बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं गैसेस को अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर लेते हैं so सो इसका वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा ओके सो वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हो जाएगा एंड डिक्रीज़ द प्रेशर ऑफ थोरेक्स और थोरैक्स का प्रेशर क्या होगा डिक्रीज़ सो so, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा तो डिक्रीज़ सो so, प्रेशर यहाँ पर थोरैक्स जो है उसका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा किसमें इंस्पायरेशन में सो so, ये जो है आप सिंपली इसको ध्यान में रखो सो so, किसमें इंस्पायरेशन में सो so, ये जो आप सिंपली ध्यान में रखो बिकॉज ये जो है सी में यही इसी टाइप के जो है क्वेश्चन डाले जाते हैं ओके सो ये जो है यहाँ पर ये है इंस्पायरेशन उसके बाद हमको सेकंड में हम देखेंगे डायग्राम थ्रू ये कैसे होता है ओके सो डायग्राम में देखेंगे टू इक्वलाइज द लो प्रेशर सो इक्वलाइज मीन्स उसको मेंटेन करने के लिए लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स लंग्स के अंदर क्या होता है तो लो प्रेशर होता है और उसको इक्वलाइज़ करने के लिए क्या होता है एयर फ्रॉम एटमॉस्फियर एटमॉस्फीयर की एयर अंदर ली जाती है रशेज़ इन द लंग्स अंदर चली जाती है बिकॉज ऑफ इक्वलाइज बिकॉज अंदर का प्रेशर जो है इनसाइड लंग्स वो प्रेशर को इक्वलाइज करने में इन्वायरमेंट के प्रेशर के साथ एयर अंदर जाती है रशेस बोले तो स्पीड के साथ एयर अंदर जाती है एंड इसे हम बोलेंगे इंस्पायरेशन सो दिस इज इंस्पायरेशन इसमें क्या है ये हमारी बॉडी है सिंपली ये क्या है हमारी बॉडी है सो so, आपको ये पता है ये हमारी बॉडी है ओके okay, वो बताने की जरूरत नहीं उसके बाद जो एयर है वो अंदर जा रही है ये यह यहाँ पर सो so, इसे हम बोलेंगे इंस्पायरेशन जिसमें इंस्पायरेशन में क्या होता है तो ब्रीथिंग इन सो ब्रीदिंग हमें पता है जिसमें हम क्या करते हैं बाहर के अंदर एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं दोनों को हम बोलते हैं ब्रीथिंग जिसमें ब्रीदिंग इन मीन्स बाहर की एयर को अंदर लेना और ब्रीदिंग आउट मींस बाहर यहाँ पर अंदर की एयर को बाहर डालना ओके सो ब्रीदिंग इन को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग आउट को बोलेंगे एक्सपायरेशन सो इसमें क्या होगा रिब केज मूव फॉरवर्ड उस ऊपर चला जाएगा फॉरवर्ड एंड प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज प्रेशर क्या होगा तो डिक्रीज होगा एंड वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज होगा सो so, हमें पता है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा एंड प्रेशर डिक्रीज़ होगा एंड डायफ्रेगम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड डाउन चला जाएगा सो so, ये होता है इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन के अंदर ये चेंजेस होते हैं सो ये सिम्पली हमने ये डायग्राम के थ्रू देखा कि इंस्पायरेशन क्या होता है सो so, इंस्पायरेशन में आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि जो इंस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है तो एयर को अंदर लिया जाता है फर्स्ट उसके बाद थोरैक्स का वॉल्यूम जो है यहाँ पर बढ़ जाता है लेकिन जो प्रेशर है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जो रिब्स है जो इंटरकोस्टल्स मसल्स है वो रिब्स बाहर आ जाते हैं उसके बाद डाफ्रेगम का हमने चेंजेस देखा कि क्या होता है सो so, ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा ओके okay, सो so उसके बाद है सेकंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर एक्सपायरेशन ओके सो इंस्पायरेशन तो हमने देख लिया अब देखते हैं एक्सपायरेशन सो एक्सपायरेशन क्या होता है इंस्पायरेशन हमें पता है कि हम जब गैसेस को अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन सॉरी ओके एंड एक्सपायरेशन मीन्स बाहर डालना सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग एयर टू बी इन एक्सेल जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था जब अंदर आकर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी मसल्स वो जो है वो बाहर चली जाती है ओके okay, उसे हम बोलेंगे एक्सपायरेशन जिसमें एयर को बाहर डाला जाता है सो द डायफ्रैगम रिलैक्स जब डायफ्रैगम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया था वो रिलैक्स हो जाएगा एंड इट पुश अपवर्ड पहले क्या होता वो डाउनवर्ड चला गया था अब वो अपनी जगह पर आ जाएगा अपवर्ड जाएगा एंड इट बिकम डोम शेप वो डोम शेप ही होता है नॉर्मल सो so वो डोम शेप ऐसा बन जाएगा ओके देन द इंटरकोस्टल्स मसल्स जो है आल्सो रिलैक्स ये भी रिलैक्स हो जाएगी बिकॉज ये स्ट्रेच हो गई थी इंस्पायरेशन के अंदर एंड पुलिंग द रिब्स ये क्या करेगी रिब्स केज को क्या करेंगी इनवर्ड अंदर एंड डाउनवर्ड सो फर्स्ट में फर्स्ट में क्या था हमने अपवर्ड देखा था एंड आउटवर्ड अपवर्ड मीन्स ऊपर जाती थी और बाहर आती थी इसमें क्या होगा तो नीचे जाएगी एंड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मीन्स अंदर जाएगी उसमें बाहर आती थी और ऊपर जाती थी इसमें नीचे जाएगी एंड अंदर जाएगी ऐसा आप इसको जो है कंपरेटिवली ध्यान में रखो इजी है ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ओके okay? सो so ये होता है एक्सपायरेशन के अंदर एक्सपायरेशन के अंदर हमने सिंपली देख लिया इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग एयर जिस एयर ने कॉन्ट्रैक्ट कॉज किया था अंदर वो बाहर चली जाएगी एंड डायफ्रैगम रिलैक्स हो जाएगा पुशिंग अपवर्ड और उसके बाद इट बिकम डोम शेप वो तो हमें पता है देन इंटरकोस्टल्स मसल रिलैक्स हो जाएंगी एंड रिब्स केज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड चला जाएगा सो so, ये ये होता है एक्सपायरेशन में और देखेंगे एक्सपायरेशन में हम क्या होता है ओके सो दूसरी बात यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं दिस कॉजेज डिक्रीज इसमें क्या होता है तो फिर डिक्रीज इन थोरैक्स वॉल्यूम बिकॉज बाहर की जब इंस्पायरेशन में क्या होता तो वॉल्यूम बढ़ गया था अब जो बाहर की एयर है वो बाहर हम छोड़ देंगे अंदर ली हुई तो उसलिए होगा इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड लीड्स इंक्रीज़ इन प्रेशर और प्रेशर इंक्रीज होगा क्यों क्योंकि फिर से एयर को अंदर लेना पड़ता है ना हम ब्रीदिंग एक बार ही नहीं करते ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है इसलिए इस, इसमें क्या होगा जो प्रेशर इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा इंक्रीज़ होगा डिक्रीज होगा तभी तो एस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होंगी वो चलेंगी इन द थोरैक्स एंड द लंग्स एंड द लंग्स एज कम्पेयर टू एटमोस्पेयरिक प्रेशर सो लंग्स का जो प्रेशर वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू एटमोस्पेयरिक प्रेशर बिकॉज फिर उसको अगेन इक्विलाइज़ करने के लिए अगेन हम एयर को अंदर लेंगे अगेन डिक्रीज होगा अगेन अंदर लेंगे सो so इस तरह से ब्रीदिंग जो है वो चलेगी ओके सो एयर फ्रॉम द लग्स रेशेस आउट सो एयर क्या होगी लंग्स के बाहर चली जाएगी एंड दिस इज एक्सपायरेशन सो एक्सपायरेशन में ये हमारी ह्यूमन बॉडी है सो so, इसमें क्या होता है तो एयर को हम बाहर छोड़ते यारो आपको देख रहा है इसमें डोम शेप बन जाता है ये डायफ्रेगम एंड यहाँ पर रिब्स केज जो है वो यहाँ पर इनवर्ड डाउन एंड इनवर्ड अंदर चली जाएगी एंड डाउन हो जाएगा एंड इसे हम बोलेंगे एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन मीन्स ब्रीदिंग आउट इंस्पायरेशन मीन ब्रीथिंग इन सो ये हो गया एक्सपायरेशन ओके सो सिंपल है बहुत सिंपल है आप इसको ध्यान में रख सकते हो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एडुलर लेयर सो फर्स्ट में हमने क्या देखा ब्रीदिंग देखा ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन देखा और एक्सपायरेशन देखा ओके इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन अब हमारा ब्रीदिंग पॉइंट हो गया यहाँ पर चार पॉइंट है मैकेनिज्म रेस्पायरेशन में फर्स्ट ब्रीदिंग देन एक्सटर्नल रेस्पायरेशन देन इंटरनल रेस्पायरेशन एंड फोर्थ सेलुलर रेस्पायरेशन सो फर्स्ट हमारा ब्रीदिंग जो है यहाँ पर हो गया ओके सो ब्रीदिंग को यहाँ पर निकाल देते हैं सो ब्रीदिंग हो गया देन हम यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन सो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हमने चालू किया है ओके सो एन एलोलस कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सिंपल कॉमस इपिथेलियम सो so, जो अलवोलस है वो किससे बनती है कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सिंपल स्कॉमस इपीथेलियम रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन सो किस पर रहती है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ओके सो सिंपल स्कॉमस इपिथेलियम है रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सो जब कैपिलरीज होती है जो ब्लड को कैरी करती है ओके okay, उसे कैपिलरीज के साथ ही एसोसिएट होती है सो so, फर्स्ट में यहाँ पर सिंपल में आपको क्या बताना है सो so सिंपल आप बताओगे द एलुअलस कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ सिंपल कॉमर्स इपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोशिएट रहेगी तो कैपिलरीज के साथ ओके देन द कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो सो फर्स्ट में हमने एलुअलस एलोलस की लेयर के बारे में बताया था अब बताएंगे कैपिलरी वॉल बिकॉज एलुअलस की जो लेयर होती है एलुअल जो होता है वो कैपिलरी से यहाँ पर एसोशिएट होता है एंड जो कैपिलरी वॉल्स होती है वो क्या होती है द कैपिलरी वॉल इज मेडअप ऑफ सिंपल स्कॉमोसिपिथिलियम रेस्टिंग ऑन अ थी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पर है थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन थीन यहाँ पर जो वर्ड है यही इसमें डिफरेंस है सो so ये यह यहाँ पर आप याद रखो फर्स्ट है एलोअलस कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सिम्पल कॉमोसिपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेबरन एंड इज इंटीमेटली एसोसिएट विद कैपुलरिज और बताना है कि कैपुलरिस वॉल जो है वो भी बनती है किससे मेडअप ऑफ सिंपल स्कॉमोसिपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ थीन बेसमेंट मेब्रैन ओके सो ये बता देना है एलोलस के रिलेटेड कैपुलरी और कैपुलरिस की वॉल बोथ लेयर्स हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर उनके कैसा है तो सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड आर थिन वॉल कैसे है? तो थिन वॉल इसकी थिकनेस की कैसे कम है एंड टूगेदर दे मेक अ रेस्पारेटरी मेम्ब्रेन, सो ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेस्पारेटरी मेम्ब्रेन, सो दोनों मिलाकर क्या बनाती है रेस्पारेटरी मेब्रैंड बनाती है एंड थ्रू विच गैसेज एक्सचेंज होकर और उससे क्या होता है तो गैसेज एक्सचेंज होते हैं एंड बिटवीन द एलुलरार एयर एंड द ब्लड ब्लड एंड एलुलरार के अंदर मीन्स लंग्स के अंदर जो सेल्स होती है उसे एलुलरार सेल्स बोलते हैं एलूलर्स एंड उसके अंदर का एयर एंड ब्लड के अंदर का एयर इसमें क्या होगा तो एक्सचेंज होगा सो so, इसे गैसेज एक्सचेंज होगा किसके अंदर ब्लड एलुलर एयर एंड ब्लड के अंदर सो so, ये दोनों मिलाकर क्या करेंगी कैपुलरस की लेयर एंड एलुलर्स की लेयर रेस्पिरेटरी मेम्राइन बनाएंगी और उससे ही गैसेस का एक्सचेंज होगा सो so, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ओके सो बाद में भी है इसकी इन्फॉर्मेशन सो ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज ओके सो ड्यूरिंग क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है तो क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस कैसे होता है तो फ्रॉम एरिया ऑफ हाइयर पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर सो so, हाइयर से क्या होगा तो लोअर में ये ट्रांसफर होगा हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर अनटिल द पार्शियल प्रेशर अंटिल द पार्शियल प्रेशर ऑफ इन द टू रीजन्स रीच इक्विलिब्रियम जब तक दो जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल नहीं बन जाते तब तक क्या होगा तो ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर ओके देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपरीज कितना होगा जो ब्लड है यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर एंटर होगा तब उसका जो प्रेशर है वो रहेगा फोर्टी फाइव एम एम एच जी वाइल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्यूलर एयर उसके अंदर रहेगा फोर्टी एम एम एच क्यू क्योंकि कैपिलरीज क्या होता है कैपिलरीज से वो क्या होता है एल्यूलर एयर के अंदर वो डिफ्यूज होता है और हमें पता है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर में गैसेस का डिफ्यूजन होता है ओके देन ड्यू टू डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द एलोअलस तो इससे ये डिफरेंस है इसलिए यहाँ तो तो से क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कैपिलरीज से क्या होता है तो एलुलस के अंदर चला जाता है ओके okay, सो so ये हो गया ऊपर का देन सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सो फर्स्ट ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा आप देखते हैं ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन में क्या रहेगा और ब्लड कैपिलरीज इज़ फोर टी एम एम एच जी फोर टी एम एच जी रहेगा एंड वाइल इन एलुलर ब्लड इज़ वन हंड्रेड फोर एम एम एच जी सो इसलिए जो यहाँ पर क्या होगा डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एलुलाई टू द कैपिलरी सो so, एलुला से कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज होगा बिकॉज एलुलास में एलुला में कितना है वन जीरो फोर और इसमें कितना है फोर इसलिए हमें पता है सबसे पहले हायर से लोअर तक क्या करता है पार्शियल प्रेशर होता है उसमें क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होते हैं यहाँ पर हमने पहले ही देखा था यहाँ पर क्या देखा था लोअर पार्शियल प्रेशर सो प्रेशर ऑफ एन एरिया यहाँ पर फर्स्ट है हाइयर पार्शियल प्रेशर और उसके बाद यहाँ पर हाइयर पार्शियल प्रेशर है और उसके बाद यहाँ पर लोअर पार्शियल प्रेशर इसमें क्या होगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा इसलिए यहाँ पर जो है वो एलुअलस एंड कैपिलरिस के अंदर एलुअलस में सबसे ज़्यादा है वन जीरो फोर एम एम एच जी एंड इसमें है फोर्टी सो so, तभी तो ऑक्सीजन जो एलुअलस एल्युला कैपुलरस के अंदर एंटर होगा सो so, ये हो गया यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज सो गैसेज कैसे एक्सचेंज होते सो so, हमने फर्स्ट देखा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज हुआ उसके बाद देखा हमने ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हुआ ओके okay. सो so, ये जो ये फंडा गैसा है तो हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर तक ये क्या होगा डिफ्यूजन होगा गैसेस का ओके okay, सो so ये बहुत सिंपल है उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम उसको समझेंगे कि कैसे होता है असल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एलवलस एंड कैपिलरी सो फर्स्ट में यहाँ पर देखो आप ये है ब्लड फ्रॉम पलमनरी आर्टरीज आर्टरीज क्या करती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज ओके okay. एंड जो यहाँ पर वेन्स होती है वो क्या करती है डी ओ टू मीन्स डी ओक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ओके सो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन ओके देन यहाँ पर नेक्स्ट है कैपिलरी एंड देन है एलुलरार मेंब्रैन एलुलर मेम्ब्रैन एंड एलुलर मेंब्रैन एंड कैपिलरी दोनों मिलाकर क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर आप देखो ये एलुलर मेंब्रैन ये दोनों मिलाकर हो गया यहाँ पर फॉर्म फार रेस्पिरेटरी मेब्रैन ये दोनों मिलाकर यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रैन फॉर्म हुआ एंड ये जो है वो है सरफेस फ्लूड ओके उसके ऊपर का सरफेस का फ्लूड देन इसमें क्या होगा ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द रेड ब्लड सेल्स इसका ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा और यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलवुलस ओके सो एलवुलस में चला जाएगा ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चला जाएगा यहाँ पर एलवुलस में और जो ऑक्सीजन है वो किस में चला जाएगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर ओके सो ये क्या होगा ब्लड गोज टू पल्मोनरी वेन ये कैसा है डी ओ टू है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें इस इधर क्या है तो ओ टू है ये पलमरी आर्टिन पल्मोनरी वेन सो so, यहाँ से क्या होगा तो आप देख सकते हो ये कैपिलरी एंड एलुलर मेम्ब्रैन दोनों ने मिलाकर क्या फॉर्म किया है तो यहाँ पर पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी मेब्रैन ये यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रैन फॉर्म किया है और इससे क्या होता है ऑक्सीजन अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एलुलर्स एंड कैपिलरीज सो कैसे होता है इसके पीछे का रीजन भी हमें पता है क्या होता है हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर तक क्या होता है ट्रांसफर होता है गैसेज का डिफ्यूजन होता है वो फंडा ये ओके सो ये जो है ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एलवल्स एंड कैपलरीज सो अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज करो या इंस्टाग्राम पर मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा हमारा टेलीग्राम का यहाँ पर ग्रुप है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं नियर अबाउट हंड्रेड के आसपास वहाँ पर स्टूडेंट है ओके ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास जुनून है कि हमें क्लास ट्वेल्थ में टॉप करना है बायोलॉजी के अंदर नाइन्टी अबो मार्क्स लाने हैं सो so, आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ओके सो ये हो गया हमारा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एलवेल्स एंड कैपिलरी हम देखेंगे अब सेलुलर रेस्पायरेशन सो फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पर ब्रीदिंग उसके बाद देखा है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन उसके बाद होता है इंटरनल रेस्पायरेशन एंड देन होता है सेलुलर रेस्पायरेशन ओके सो ब्रीदिंग हमने देख लिया एक्सटर्नल रेस्पायरेशन देख लिया जो इंटरनल रिस्पायरेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका मैं जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा अब शुरू करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन ये रहा सेलुलर रेस्पारेशन ये डी है सो ए बी सी एंड डी सो इसलिए हम डी वाला शुरू करें सी का जो है इंटरनल रेस्पायरेशन है वो हम जो है स्पेशल उस पर वीडियो बनाएंगे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है और वो अलग से पढ़ो तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा ओके सो फर्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर सेलुलर रेस्पारेशन सेलुलर रेस्पारेशन में क्या होता है इट इज लास्ट स्टेप ऑफ टेकिंग प्लेस इन द सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज एंड ए टीपी जनरेट सो यह क्या है लास्ट स्टेप है किसकी यहाँ पर रेस्प मेकेनिज्म ऑफ रेस्पारेशन की लास्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पारेशन ओके okay, सो so ये डी है इसलिए हमें पता है कि चार स्टेप होती है फर्स्ट होता है ब्रीदिंग इंटरनल रेस्पारेशन यहाँ पर उसके बाद होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है पहले उसके बाद इंटरनल देन होता है सेलुलर सो so हमने ब्रीदिंग देख ली एक्सटर्नल रेस्पायरेशन देखा इंटरनल बाद में देखेंगे और ये है डी मीन सेलुलर रेस्पायरेशन इसलिए ये क्या है लास्ट स्टेप है एंड यहाँ पर क्या होता है तो फूड ऑक्सीडाइज होता है एंड एटीपी इज जनरेट सो एटीपी तो हमें पता है इसका जो है इसका फार्मूला जो आपको पार्ट यहाँ पर होना ही चाहिए आपको मालूम होना चाहिए वो कैसा है तो फिर एडोनसाइन ट्राई फॉस्पेट सो so, ये जो है यहाँ पर जनरेट होती है सो so, इसलिए हम पता है कि रेस्पारेशन में एटीपी जनरेट होती है लेकिन ये स्टेप थ्रू वन स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं बिकॉज यही इसमें तो हमको मेकानिज्म पढ़ना है ओके सो मेकनिज्म का ये लास्ट स्टेप है देन इट कैन बी शोन बाय टू स्टेप ये दो स्टेप से दिखाई यहाँ पर शोन होता है एक होता है ऑक्सीडेशन एंड दूसरा होता है फॉस्पोरेशन ओके सो ऑक्सीडेशन एंड फॉस्पोरिलेशन यहाँ पर सेलुलर रेस्पारेशन के अंदर होता है और वो भी हम और देखेंगे इसमें कि ऑक्सीडेशन में अच्छे में मीस उसके अंदर क्या यहाँ पर चेंजेस होते हैं क्रैप क्या प्रोसेस होती है और उसके बाद यहाँ पर फॉस्पोरीशन के अंदर भी क्या चेंजेस और क्या प्रोसेस होती है वो हम डिस्कस करेंगे ओके सो फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते सो so फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉस्पोरिलेशन के अंदर सो so फर्स्ट है ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन में क्या होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द सिंपल ऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक ओके ये जो है इसको इरेज़ करो सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकिंग डाउन होगा एंड इससे क्या बनेगा सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इसमें क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक बोले तो कार्बन एंड देयर कंपाउंड से बना हुआ यहाँ पर सब्सटेंस और एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक मीन्स कार्बन को छोड़कर कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़कर दूसरे एलिमेंट से बना हुआ यहाँ पर सब्सटेंस उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ओके सो विथ अ रिलीज एनर्जी सो इसमें क्या होगा हीट एनर्जी बाहर निकलेगी ओके okay, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है ग्लूकोज है मीस सी सिक्स एच टू एल ओ सिक्स ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्टेंट में आएंगे ये दोनों रिएक्ट होंगे और क्या फॉर्म होगा तो सिक्स सी ओ टू में सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स एच टू मीनस वाटर के मॉलिक्यूल है और उसके बाद मिलेंगे यहाँ पर सिक्स हंड्रेड ए टू एटी सिक्स किलो कैलरी ये किलो कैलरी है ये ए टी पी नहीं है ये ए टी में कन्वर्ट होगी फॉस्फोरिलेशन में सो so, इट यहाँ पर क्या होगा इन in इन्वॉल्वस इसमें हो है इट ओके इट इन्वॉल्व्स ट्रैपिंग द हीट एनर्जी यहाँ से निकली हुई जो हीट है ये इसको ट्रैप करेगा एंड इन द फॉर्म ऑफ हायर एनर्जी बॉन्ड ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में हायर एनर्जी बॉन्ड ऑफ हायर एनर्जी बॉन्ड ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल्स सो ए टी पी इज यूज टू कैरी आउट वाइटल लाइफ प्रोसेस वाइटल मीन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट सो so, जो वाइटल वर्ड है इसको आप ध्यान में रखो ये बहुत काम आएगा वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट ओके सो so, यहाँ पर क्या होगा तो वाइटल लाइफ प्रोसेस के लिए वो कैरी करने में यहाँ पर यूज़फुल होगी देन एंड सो इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल सो इसलिए हम इसको बोल देंगे एनर्जी सेल एनर्जी करेंसी जहाँ सेल को एनर्जी मिलती है और इसलिए हम इसको बोलेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ओके देन okay. यहाँ पर आप देख सकते हो ए डी पी मीस एडोनस एंड ड्राई फॉस्पेट देन आई पी उसके बाद सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी और क्या मिलेगा फिर ए टी पी तो इसका जो पी है मीस पी मीस फॉस्पेट ओके सो so, यहाँ पर एडोनेसाइन डाइफ है ओके okay? उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तो ट्राईफॉस्फेट होगा बिकॉज ये पी इधर जाएगा और डी निकल के आई डी फॉर्म होगा बाय प्रोडक्ट और यहाँ पर मिलेगा ए टी पी मीन्स एडोनोसाइन ट्राइफॉस्पेट उसके बाद आई डी सो so, ये आपको समझ में आ गया होगा सो so, ये हो गया फॉस्पोरिलेशन उसके बाद ये हो गया ऑक्सीडेशन ओके okay? सो so, ये जो है लास्ट स्टेप थी हमारी मेकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की उसके बाद यहाँ पर है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग सो so ब्रीदिंग जो है वो कैसे रेगुलेट की जाती है रेगुलेट मीन्स वो अच्छे से वर्क कैसे कैसे करती है उसका रेगुलेशन कैसे होता है कौन उसको रेगुलेट करता है सो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेस्पारेशन अंडर ड्यूएल कंट्रोल ड्यूएल कंट्रोल मीन्स दो चीज़ें यहाँ पर उसको कंट्रोल करती है एक नर्वस सिस्टम दूसरा केमिकल नर्वस एंड केमिकल दो चीज़ें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को यहाँ पर मीन्स रेस्पारेशन को कंट्रोल करती है इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्यूअल कंट्रोल ड्यूअल मीन्स दो ओके okay, एंड ह्यूमन अडल्ट जो ह्यूमन अडल्ट वो ब्रीद अबाउट ट्वेल्व मिनट्स पर ओके ट्वेल्व टाइम्स पर मिनट सो ह्यूमन अडल्ट जो है वो ट्वेल्व टाइम पर यहाँ पर मिनट्स यहाँ पर ब्रीथ करेगा लेकिन कौन अडल्टाइल न्यूबॉर्न इज फोर्टी फोर टाइम्स जो न्यू बॉर्न होगा वो फोर्टी फोर टाइम्स पर मिनट यहाँ पर क्या करेगा ब्रीथ करेगा ओके okay, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस सो कैसीआई इनवॉलेंट्री इनवॉलेंटरी मीन्स उसको हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते ये नेचुरल होना पड़ता है अगर ब्रीदिंग को हम कह कह दें कि एक घंटे के लिए ब्रीदिंग को हम रोक देते हैं तो ब्रीदिंग क्या रुकेगी नहीं रुकेगी बिकॉज एक कैसी है इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जिसको हम रोक सकते हैं अपने हिसाब से उसे हम बोलेंगे इन वॉलेंटरी और जिसको नहीं रोक सकते उसे हम बोलेंगे इनवॉलेंटरी और जिसे रोक सकते उसे वॉलेंटरी ओके okay? सो so, ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिक है प्रोसेस एंड स्टेडी रेट ऑफ रेस्पायरेशन स्टेडी बोले तो यहाँ पर हमको पता है स्टेडी मीन्स यहाँ पर एक जैसा सो so, यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं एक जैसा उसे हम बोलेंगे स्टेडी सो so, जो स्टेडी रेट ऑफ रेस्पारेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स ये न्यूरॉन्स से कंट्रोल होता है कौन से लोकेटेड इन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं वो तो फर्स्ट होता है पॉन्स एंड देन होता है मेडुला सो पॉन्स एंड मेडुला में लोकेटेड होने वाले जो न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे ब्रे स्टेडी रेट जो है वो मेंटेन करेंगे रेस्पारेशन का एंड आर आर नोन एज द रेस्परेटरी सेंटर और उसे ही हम बोलेंगे रेस्पारेटरी सेंटर्स देन इट रेगुलेट द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग सो so डेप्थ कितनी रहेगी ब्रीदिंग की वो भी रेगुलेट करेगा एंड इट डिवाइड इन थ्री ग्रुप्स वो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड होंगे फर्स्ट डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेडूला उसे हम बोलेंगे इंस्पारेटरी सेंटर उसके बाद वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन मेडुला उसे हम बोलेंगे इंस्पारेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर मींस यहाँ पर बोथ इंस्पारेटरी एंड एक्सपायरेटरी एंड द निमोटैक्सिस सेंटर लोकेटेड इन द प्राइमरीली लिमिट इंस्पायरेशन एंड स्लो वेव स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ये जो इसके अंदर आएगा तो सिंपली ये क्या है तो थ्री यहाँ पर यहाँ पर रीजन में लोकेटेड हुए ये आपको सिंपली ध्यान में रखना है उसको कोई दूसरा यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है देन जो एपोनेस्टिक सेंटर होता है जो यहाँ पर थर्ड नंबर का हमने देखा ये ओके सो नीमोस्टिक निमोस्टैक्सिस ओके इसमें जो है एपोनोस्टिक जो सेंटर है इन द मेडुला इज एंटीगोनीस्टिक एंटीगोनीस्टिक मीन्स हाईली एक्टिव टू द नीमोटैक्सिस सेंटर नीमोटैक्सिस सेंटर को यह हाईली एक्टिव रहेगा एंड इट कंट्रोल द नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड विक विकफुलनेस तो इसको ये कंट्रोल करेगा सो so, ये आएगा ब्रीदिंग रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर ट्वेल्व टाइम जो नॉर्मल ब्रीदिंग है पर मिनट उसके बाद न्यूबॉर्न के अंदर फोर्टी फोर टाइम होती है ये जो है वो सी में आपको पूछा जा सकता है ये जो है सी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको आप और लो ओके सो ये हो गया ब्रीदिंग और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेगुलेशन ऑफ ओके okay, सो so ये हो गया रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन उसके बाद यहाँ पर आप देखो अगेन हमको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन है सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन में क्या होता है तो इंस्पायरेशन हमें पता है जिसमें हम क्या करते हैं एयर को बाहर की एयर को इनहिल करते हैं उसमें बोलेंगे इंस्पायरेशन व्हेन द लंग्स एक्सपांड एक लंग्स क्या होगा गया एक्सपांड हो उसका साइज बढ़ जाएगा टू क्रिटिकल पॉइंट द स्ट्रेच रिसेप्टर क्रिटिकल पॉइंट मीन्स उसके ज़्यादा बढ़ नहीं सकता वो हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट ओके लिमिट से बाहर ओके okay? उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट द स्ट्रेच रिसेप्टर सो स्ट्रेच मीन्स जब हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है और उसको रिसेप्ट करने वाले कुछ न्यूरोन्स होते है, हैं उसे हम बोलेंगे स्ट्रेच और हम उसे रिसेप्टर भी बोल सकते हैं और उसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर जो हो गए जब क्या होगा एक्सपांड क्रिटिकल लेवल से ऊपर चला जाएगा तब स्ट्रेच रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे एंड स्टिमुलेट एंड इम्पल्स आर सेंड टू अलॉन्ग विद द वैगस नर्व और वैगस नर्व के साथ वो इम्पल्स सेंड किया जाएगा टू द एक्सपायरेटरी सेंटर ये ब्रेन के अंदर सो so, जो एक्सपायरेटरी सेंटर है वहाँ तक क्या करेगा उस जो यहाँ पर सेंट है उसको मैसेज जो है इम्पल्स है उसको वो सेंड करेगा एंड इस यहाँ पर जो इम्पल्स है उसको सेंड करेगा एंड इट देन सेंड आउट इनहिबिटरी इम्पल्स सो उस इम्पल्स को यहाँ पर जवाब देने के लिए वो आउट इनहिबिटरी इम्पल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा टू द इंस्पायरेटरी सेंटर इंस्पारेटरी सेंटर के लिए ओके सो इंस्पायरेटरी सेंटर देन द इंस्पारेटरी मसल रिलैक्स इंस्पायरेटरी सेंटर जो मसल्स से है वो रिलैक्स हो जाएंगे बिकॉज इसके ज़्यादा अब हम नहीं कर सकते बिकॉज उसको यहाँ पर मैसेज इंपल्स मिल गया है बाय आउट रिस्पारेटरी इंपल्स सो फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है तो ड्यूरिंग इंस्पारेशन लंग्स एक्सपांड लंग्स एक्सपांड हो गए उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जा गए तो देन स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो उसको क्या करेगा रिसेप्ट करेगा कि बहुत एक्सपांड हो गए इसके ज़्यादा अब होने नहीं चाहिए तो वो क्या इंपल्स सेंट करेगा इम्पल्स सेंड करेगा अलॉन्ग द वैगसनर वैगसनर से अलॉन्ग मीन उसके यहाँ मदद से एंड यहाँ पर एक्सपायरेटरी सेंटर को भेजेगा एंड देन एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करेगा इनहिबिटर इम्पल्स सेंड करेगा इंस्पायरेटरी सेंटर को मीन्स इनहिबिटर मीन्स उसको थोड़ा रोकेगा एंड इन देन क्या होगा इंस्पायरेटरी मसल रिलैक्स वो रिलैक्स हो जाएगी सो so, इस तरह से क्या होगा तो ब्रीदिंग होगा यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग होगा ओके एंड एक्सपायरेशन फॉलोज़ सो so, ये एक्सपायरेशन होता रहेगा एज एयर लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन तो फिर क्या होगा तो एयर जो है वो लंग्स को छोड़कर बाहर चली जाएगी बिकॉज यहाँ पर मैसेज आ गया यहाँ पर इम्पल्स ब्रेन को मिला और ब्रेन ने अगेन यहाँ पर इनहिबिटरी इम्पल्स छोड़ा रिस्पारेटरी सेंटर के लिए कि अब जो है आप उसको इनहिबिट करो उसको रोको उस प्रोसेस को एंड द लंग्स आर डिफ्लेट एंड द स्ट्रेच रिसेप्टर आर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड ओके सो फिर जो है यहाँ पर रिसेप्टर अपनी जगह पर आ जाएंगे एंड द इंस्पारेटरी सेंटर इज नो लॉन्गर इनहिबिटेड उसके बाद जो नो लॉन्गर मीस बहुत ज़्यादा देर तक उसको इनिबिट करके रोक के रखेगा कि नहीं एक बार उसने एयर को बाहर छोड़ दिया उसको अगेन वो क्या रिलैक्स करेगा देन अगेन एयर अंदर आएगी अगेन रिलैक्स करेगा ऐसा जो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग चलता रहेगा एंड न्यू रेस्पारेशन बिगिनस और दूसरा रेस्पारेशन यहाँ पर चालू होगा ओके okay, सो so ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान में रखो कि सच में ब्रीदिंग रेगुलेट कैसे की जाती है कैसे उसको मेंटेन किया जाता है हर एक चीज के यहाँ पर जो पीछे मीन्स उसके रीजन होता है हर एक चीज़ के पीछे सो so, वो कौन सी भी क्यों ना हो ओके okay. सो so, यहाँ पर ब्रीदिंग है कंट्रोल सेंटर है स्टिमुलेटेड बाय सो ये जो है ये हर्ट है और उसके बाद ये डार है सो so, ये जो है यहाँ पर आपको जो समझ है ना सो so, आपको जो समझना है सो so, आपको जो समझना है वो ये यह है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर उसको रेगुलेट किया जाता है इसको और अपने हिसाब से आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से ओके okay. ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो या फिर अपने ग्रुप जो जो है ग्रुप उस पर ज्वाइन हो जाओ ओके सो सो अब हम देखते हैं कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर कॉमन डिसऑर्डर ऑफिस रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज डिसऑर्डर्स मतलब डिसीज मीन्स एक आधा डिसीज उसको हो गया है उसे हम बोलेंगे डिसऑर्डर्स ओके देन द गिवन टेबल शोज द लिस्ट ऑफ सम कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड देयर सिम्टम्स एंड देन कॉजेज एंड उसके बाद ट्रीटमेंट सो फर्स्ट सिम्टम्स वो डिसीज़ होने हो जाने के बाद हमको क्या हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं उसे हम बोलेंगे सिम्टम्स उसके बाद है कॉज इस क्यों होता है वो डिसीज़ उसके कॉजेस एंड देन होता है अगर डिसीज हो गया तो उसको यहाँ पर क्योर कैसे करें वो देखेंगे फॉलोइंग चार्ट में नेक्स्ट वाले चार्ट में ओके okay. सो so, हमारा चार्ट यहाँ पर हम देखेंगे उसको सो so, ये है हमारा चार्ट इसमें जो है यहाँ पर आप फर्स्ट में देखो ये है कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें क्या होता है डिसऑर्डर्स यहाँ पर दिए गए देन सिम्टम्स है देन कॉजेस एंड देन ट्रीटमेंट है सो so फर्स्ट हमारा डिसीज है एम्फेसेमा ओके okay, एम्फेसेमा में क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ एलोली जो एलओली होती है हमें पता है लंग्स के अंदर होती है और उसका क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाती है वो देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद जो ब्रीद में जो है वो वहाँ पर शॉर्टनेस आ जाती है नॉर्मल क्या है ट्वेल्व टाइम पर मिनट्स उसमें और थोड़ा कम हो जाएगा मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो जाएगी ओके देन यहाँ पर कॉज क्या है इसका स्मोकिंग एंड पोलूटेड एयर सो पोल्यूटेड एयर अगर आपने इनहील किए बॉडी के अंदर ली और स्मोकिंग अगर की टोबैको तो और अदर जो यहाँ पर सिगारेट है उसकी तो यहाँ पर आपको डिसीज़ हो सकता है कौन सा यहाँ पर इम्फेसिमा एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका क्वाइट स्मोकिंग स्मोकिंग को पहले ख़त्म करो अवॉइड पोल्यूटेड एयर पोल्यूटेड एयर में ज़्यादा जाओ मत मास्क को यूज़ करो एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द रिलीफ सिम्टम्स और एडमिनिस्ट्रेमिस् ऑक्सीजन उसको दो जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है उसको वो क्या करेगा उसको रिलाईव सिम्टम्स सिम्टम्स को खत्म करेगा थोड़ा उसको आराम देगा ओके देन सेकंड हमारा डिसऑर्डर देन है यहाँ पर क्लोरिनिक ब्रॉन्चिटिस सो so इसमें सिम्टम्स क्या है कफिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कफ उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे कि हमने पहले बताया नॉर्मल ट्वेल्व टाइम्स पर मिनट है वो उससे शॉर्ट हो जाएगा इसका कॉज क्या है स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूटेड एयर ये दोनों का भी स्कॉज जो है वो सेम ही है देन ट्रीटमेंट क्या है क्वाइट स्मोकिंग स्मोकिंग को खत्म करो अवॉइड पोल्यूटेड एयर इफ पॉसिबल मूव टू वार्मर वार्मर मीन्स यहाँ पर हॉट क्लाइमेट में जाओ आप ओके okay, तो so जैसे ड्राइड ड्राइर मींस यहाँ पर जो है यहाँ पर हॉट मीन्स यहाँ पर वाटर ज़्यादा ना हो ऐसे यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट में आप जाओ अगर आपको पॉसिबल है तो so जिससे आपका डिसीज जो है वो यहाँ पर क्योर होगा देन जो थर्ड डिसीज़ है वो है एक्यूट ब्रॉन्चिटिस सो एक्यूट ब्रांचुटिस में क्या होता है इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रॉन्चाई शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ देन येल्लो म्यूकस कफ ऑफ सो किस में क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रॉन्चिजस सो फर्स्ट में क्या है ब्रॉन्चिस में एक्यूट ब्रांचिटिस में इंफ्लामेशन ऑफ ब्रॉन्चाई इन्फ्लामेशन मीन्स आप ध्यान में रखो यहाँ पर क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है पेन होता है ब्रॉन्चाई के अंदर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ब्रीथ शॉर्ट बन जाती है एंड येल्लो म्यूकस कफ ऑफ येल्लो म्यूकस म्यूकस क्या है तो यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे नोज के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं म्यूकस एंड इसका कॉज क्या है तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया देन ट्रीटमेंट इफ़ बैक्टीरिया टेक एंटीबॉडीज अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबॉडीज़ लो एंड कफ मेडिसिन लो एंड यूज़ वेपराइज़र सो वेपराइजर यूज़ करते थे हम जब बचपन में हमें कफ़ होता था तो वेपराइजे वेपराइजर यूज़ करते थे हम उसको यूज़ करो देन हमारा फोर्थ डिसीज़ है या फॉर साइनोसिटीज़ इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस म्यूकस डिस्चार्ज साइनस बोले तो यहाँ पर हमारे नोज़ के ऊपर जो यहाँ पर एक यहाँ पर हॉलो ट्यूब होती है उसे हम बोलेंगे साइनस इससे रिलेटेड ये डिसीज़ है जो हमारे माउथ एंड हमारे नोज को कनेक्ट करती है सो वायरसेस एंड बैक्टीरिया इसका कॉज कौन है फिर वायरसेस एंड बैक्टेरिया ये दोनों का सेम है ऊपर के दोनों का कॉज सेम है ये दोनों का कॉज सेम है इस तरह से आप उसको ध्यान में अच्छे से रख सकते हो ओके okay, देन उसके बाद इफ बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबॉडीज लो एंड नहीं है तो फिर क्या लो वायरसेज है तो क्या लो फिर यहाँ पर लो डी पर क्या है तो डी कंजेस्टेंट यूज वेपराइजर डी कंजेस्टेंट लो एंड वेपराइजर्स को यूज करो ओके okay, सो so ये हो गए यहाँ पर कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन थोड़े हैं वो हम देखेंगे और सो ओके सो और यहाँ पर है फर्स्ट है यहाँ पर हमें डिसीज जो है पढ़ना है वो है लेरेंगेटिस तो उसके बाद है निमोनिया देन अस्थमा है एंड देन है यहाँ पर सेलिकोसिस सो फर्स्ट देखेंगे लैरेंगे इसमें क्या होगा इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स लैरिंग्स मीन्स यहाँ पर लैरिंग्स जो है वो स्वेल हो जाएगा उसकी साइज़ बढ़ जाएगी देन उसके बाद यहाँ पर होगा तो उसको जो है स्वेलिंग होगी पेन होगा उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स उसके बाद वोकल कॉर्ड्स का इन्फ्लामेशन देन सोअर थ्रोट क्या हो जाएगा तो फिर सोअर थ्रोट एंड हार्शनेस ऑफ वॉइस वॉइस जो है वो हार्श हो जाएगा एंड म्यूकस बिल्टअ अप इन एंड कफ म्यूकस बन जाएगा तार हो जाएगा म्यूकस ना, नाक के अंदर जो है हमारे नोज़ के अंदर नाक जो है हमारी पैक हो जाएगी सो so, वो जाएगा वो जाएगा लारेंगीटिस में सो वायरसेज एंड बैक्टीरिया इसका कॉज वही सिंपल सो अगर बैक्टीरिया है तो क्या करो एंटीबायोटिक्स लो कफ मेडिसिन लो वाइस को थोड़ा रेस्ट करो रेस्ट दो वाइस को एंड अवॉइड इरिटेंट्स लाइक द स्मोक स्मोक को अवॉइड करो ओके okay? सो so, ये हो गया लैरेंगे में ट्रीटमेंट दिन सेकंड है निमोनिया निमोनिया के अंदर क्या होगा इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स क्या होगा तो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स देन रैंग फ्रॉम द माइल्ड टू सेवर सो माइल्ड बोले तो बहुत ज़्यादा ओके सो यहाँ पर क्या होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लंग्स का यहाँ पर क्या होगा स्वेलिंग होगा पेनफुल कंडीशन होगी और कम भी होगी देन कफ एंड फ्यूर शॉर्टनेस ऑफ ब्रिद कफ आएगा उसके बाद फीवर होगा कफ एंड फ्यूवर देन यहाँ पे होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रिद चिल्स मीन चिल्स मीन बहुत हमको कोल्ड लगता है ठंड लगती है स्वेटिंग देन चेस्ट के अंदर पेन होता है एंड ब्लड इन म्यूकस म्यूकस में क्या होगा ब्लड होगा ये जो है थोड़ी निमोनिया की थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर क्या है तो सीरियस डिसीज है सो so, म्यूकस के अंदर क्या होगा तो नो के अंदर का हमारा स्टिकी सब्सटेंस उसके अंदर थोड़ा ब्लड भी हमको मिलेगा यहाँ पर उसका कॉजेज़ कौन है फिर यहाँ पर बैक्टीरिया एंड वायरसेस सो कंसल्ट फिजिशियन फिजिशियन से आप कॉन्टैक्ट करो डॉक्टर्स के साथ इमिडिएटली एंड एंटीबायोटिक्स कप मेडिसिन एंड वार्म रहो एंटीबायोटिक लो एंड मेडिसिन को लो ये निमोनिया का ट्रीटमेंट है देन अस्थमा कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांचुओलस ब्रॉन्चोलस हमें पता बताया रेस्पारेशन रिलेटेड जो यहाँ पर लंग्स होता है और लंग्स के अंदर की सेल्स को हम बोलते हैं ब्रांचोलस उसमें क्या होता है म्यूकस बिल्ड म्यूकस जो यहाँ पर बन जाता है ओके अप इन द ब्रांचुअलस एंड द पीरियोडिक स्नाइजिंग सो स्नाइजिंग हमें होती है पीरियोडिक मीन्स स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो अगेन रिपीट आती है रिपीट आती है ओके okay? उसे हम बोलेंगे स्नाइजिंग एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग ब्रीदिंग में हमको डिफिकल्टी जाएगी ब्रीदिंग बोले तो इंस्पायरेशन एंड इंस्पायरेशन मीन्स हमको बाहर की हवा अंदर लेने में और अंदर की बाहर छोड़ने में डिफ़िकल्टी जाएंगी एंड एलर्जी इसमें क्या होगा इसका जो यहाँ पर सिम्टम्स है वो क्या है एलर्जी टू द पोलन अगर पोलन से एलर्जी है तो उससे ये डिसीज़ हो सकता है और सम फूड्स सो सम फूड्स मीन्स कोई अगर कुछ ऐसे यहाँ पर फूड्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को जो है कभी कभी एलर्जी हो जाती है वो जो है वो अवॉइड करो वो इसका जो है यहाँ पर कॉज हो सकता है उसके बाद फूड एडिटिव्स फूड एडिटिव्स मीन्स फूड में मिलाए जाने वाले कलर और उसके बाद फूड में मिलाए जाने वाले टेस्ट आने के लिए जो यहाँ पर मिलाया जाता है उसके हम बोलेंगे एडिटिव्स एंड पेट हेयर इ ये जो है इसका कॉजेज है किसका तो अस्थमा का देन यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट डिसीज़ है हमारा तो अस्थमा का जो हम पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं यूज ऑफ इन्हीटेंट्स इनहलीटेंट्स जैसे कि विक्स है ओके उसको हम अंदर इनहिल करते हैं तो क्या होता है तो फिर हमारा जो नोज है वो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मीस यहाँ पर ब्रॉन्चोलस जो हमारा पैसेज है वो ओपन हो जाता है मीन्स टू ओपन द पैसेज वेज अवॉइड इन इरीटेंट सो जो वे के अंदर हमको जो है इनहेल करने में एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करने में जो है तकलीफ जा रही है वो वे थोड़ा यहाँ पर खुला हो जाता है ओके ड्यूरिंग बाय अस्थमा ओके अस्थमा के यहाँ पर अस्थमा डिसीज के अंदर जब उसको यूज़ करते हैं देन यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है एक रेस्पारेटरी डिसऑर्डर्स सिलिकोसिस एप्स्टोसिस okay, ओके ये कैसा है एक्शनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसमें क्या होगा तो इन्फ्लामेशन ऑफ फिब्रोसिस एंड लंग्स डैमेज फिब्रोसिस का क्या होगा इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन यहाँ पर बहुत यहाँ पर बहुत बार आ गया इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन मीन सिंपली स्वेलिंग होना पेन होना हीट प्रोड्यूस करना फिब्रोसिस एंड यहाँ पर लंग्स डैमेज लंग्स डैमेज भी हो जाएंगे सो so, किस से हो गए यहाँ पर लॉन्ग टर्म है ये किसका सिम्टम्स क्या है इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोज टू डस्ट अगर डस्ट अगर आप ज़्यादा डस्ट के कॉन्टैक्ट में आओगे तो ऐसा होगा एंड पार्टिकल सिलिका सिलिका मीस यहाँ पर हम उसको वाणू बोलते हैं ओके सो जो सिलिका है जो स्टोन के जो है छोटे छोटे पार्ट रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिलिका एंड द एबस्टेस्टोस एंड द एबेस्टोस पार्टिकल जो रहेंगे ड्यूरिंग एक्पिएशन सो एक्यूपेशन के ड्यूरिंग में क्या होगा तो वो अंदर चले जाएंगे बॉडी के अंदर और उससे जो है वो डिसीज ये होगा उसके बाद इसके जो यहाँ पर ट्रीटमेंट है वो कैसे है तो फिर प्रोटेक्टिव मास्क एंड गियर ड्यूरिंग वर्क सो गियर करो ड्यूरिंग वर्क एंड प्रोटेक्टिव मास्क आप यूज़ करो सो so गियर बोले तो सिंपली आप छोटा छोटा पानी लो और वो थोड़ा उससे गियर करो बाहर डालो पानी अंदर गले में थोड़ा उसको यहाँ पर थोड़ा रखो और बाहर डालो उसे हम बोलेंगे गियर ओके सो ये जो है यहाँ पर डिसीज है कॉमन सो उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है वो है यहाँ पर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स एंड द वेंटिलेटर्स सो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स एंड द वेंटिलेटर्स ये जो है 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन के लिए नहीं है बिकॉज 25 फाइव परसेंट सिलाबस रिड्यूस किया गया है सो so इसमें ये भी रिड्यूस हुआ है अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं इसको देखना चाहते हैं तो देखो कोई बात नहीं आपका नॉलेज बढ़ेगा लेकिन अगर आप में आपको पहले ये ट्वेंटी फाइव परसेंट छोड़कर ट्वेंटी सेवन या फिर सेवेंटी फाइव परसेंट करना है तो वो पहले करो देन आप ट्वेंटी फाइव परसेंट से ओवरलुक कर सकते हो सो so, अगर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन से ऊपर के बच्चा अगर आप हो उस मीन्स यहाँ पर साल के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये ले पढ़ना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है सो वेंटिलेटर्स एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स एंड वेंटिलेटर्स हम यहाँ पर शुरू करेंगे सो so, यहाँ पर जो फर्स्ट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्डी यहाँ पर आर्टिफिशियल रेस्पारेशन हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पारेशन सो so, रेस्पायरेशन में हमें पता है क्या होता है तो इनही यहाँ अपन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मीन्स बाहर की एन्वायरमेंट की हवा को हम अंदर लेते हैं और उसके बाद उसको बाहर छोड़ते उसको हम बोलेंगे यहाँ पर रेस्पारेशन और ये क्या है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मीन्स हम इसको मशीन मीन्स यहाँ पर मशीन का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन बोलते हैं और उस मशीन को ही वेंटिलेटर्स बोलते हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे कि वेंटिलेटर्स क्या होता है कैसे होता है सो so, जो फर्स्ट है यहाँ पर देन इट इज़ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ब्रीदिंग इन अ पर्सन वेन अ नेचुरल रेस्पारेशन हैज़ सी यहाँ पर क्या होगा तो सीज होगा यहाँ पर फॉल्ट होगा सो नैचुरल रेस्पारेशन जब नहीं हो पाया पाएगा तो हम आर्टिफिशली मशीन से भी उसका रेस्पारेशन करवा सकते हैं वो होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन ओके इफ़ यूज़ प्रॉपरली एंड क्विकली प्रॉपरली एंड क्विकली अगर उसने हम हमने जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन को यूज़ किया तो क्या हो सकता है इट कैन प्रिवेंट डेथ एंड ड्यू टू ड्राउनिंग चौकिंग एंड सपोनिकेशन सो ड्रॉविंग ड्राउनिंग उसके बाद यहाँ पर चौकिंग यहाँ पर चौक हो जाएगा मीस जो है लंग्स तक जो है यहाँ पर एयर पहुँचेगी नहीं उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तो सपोनिकेशन मिस ऑक्सीजन की अगर डिफिशियंसी हो गई तो उसे हम बोलेंगे सप्यूनिकेशन जिस पर्सन के अंदर होता है ऐसा ऑक्सीजन है जो है मिलता नहीं है ओके okay? सो so, ये जो है एंड इलेक्ट्रिकल शॉक है ई टी सी धिस प्रोसेस इन्वॉल्व सो उसको हम क्या करेंगे प्रिवेंट कर पाएंगे देन धिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व टू मेन स्टेप्स फर्स्ट इस्टेब्लिश एंड मेंटेनिंग एंड ओपन एयर पैसेज टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सो फर्स्ट क्या करेगा इस्टेब्लिश इस्टेब्लिश करेगा कि क्या मेंटेनिंग अप एयर ओपन एयर पैसेज जो एयर का पैसेज है उसको वो ओपन करेगा फर्स्ट ओके पैसेज फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द लंग्स सो अपर रेस्पारेटरी ट्रैक्ट से लेकर लंग्स तक वो क्या करेगा उसको ओपन करेगा एंड फोर्स यहाँ पर क्या होगा इंस्पारेशन एंड एक्सपायरेशन एज इन माउथ टू माउथ सो कैसे होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन माउथ टू माउथ होगा नोज टू नोज यहाँ पर नहीं होगा माउथ टू माउथ माउथ से इनहेल करेंगे माउथ से ही यहाँ पर क्या करेंगे उसको एक्सेल करेंगे सो बाय मैकेनिकल मीन्स लाइक वेंटिलेटर्स वेंटिलेटर्स का यूज़ करके सो so, वेंटिलेटर्स क्या होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं उसको वेंटिलेटर्स को सो वेंटिलेटर्स इज अ मशीन मशीन दैट सपोर्ट ब्रीदिंग सो ब्रीदिंग को सपोर्ट करती है यह ऐसी एक मशीन है ब्रीदिंग को बोले तो इंस्पारेशन एंड एक्सपायरेशन में सपोर्ट करती है एंड इज़ यूज ड्यूरिंग सर्जरी सर्जरी की ड्यूरिंग हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज़ नॉर्मल जो है नोज से जो है वो यहाँ पर रेस्पारेशन स्टॉप करते हैं और मशीन लगा देते हैं जिससे जो है वो पेशेंट की डेथ ना हो एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस लंग डिसीज़ अगर लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है तो लंग्स को यहाँ पर क्या किया जाता है सर्जिकली कट किया जाता है और डिफरेंट उसको ऑपरेशन किए जाते हैं तो जो नॉर्मल लंग्स है वो तो यहाँ पर ऑपरेशन में भेजिए तो फिर मशीन को लगा देंगे जो लंग्स का, का काम करेगी और अदर कंडीशनस वेन द नॉर्मल ब्रीदिंग फेल्स और अदर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो फेल हो जाएगी तब भी हम वेंटिलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ मेनली यूज इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर डू फॉलोइंग सो लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऐसा पार्ट है वेंटिलेटर्स जो फॉलोइंग जो है यहाँ पर करता है काम कौन से फर्स्ट गेट ऑक्सीजन इं द लंग्स लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है देन सेकेंड रिमूव मीन्स ऑक्सीजन से यहाँ पर लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है ओके okay? ये बात आप ध्यान में रखो सो so, फर्स्ट थोड़ा गलत हो गया तो गेट ऑक्सीजन इंटू द लंग्स इन लंग्स मीन लंग्स क्या होता है तो बाहर के अंदर से हवा लंग्स के अंदर आती है और उससे क्या करता है फिर ऑक्सीजन लेता है कौन वेंटिलेटर्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकाल देता है एंड हेल्प इन द पेशेंट ब्रीथ एंड पेशेंट को ब्रीथ करने में ये हेल्प करता है सो so, ये है थ्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफ वेंटिलेटर्स ओके okay. सो so, उसके बाद देन है ट्रांसपोर्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन सो ट्रांसपोर्टेशन अगर ये वर्ड हमने जैसे ही पढ़ा तो हमारे सामने जो है कुछ यहाँ पर चीज़ें आती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वेरियस यहाँ पर गुड्स का होता है मीन्स वेरियस यहाँ पर सब्सटेंसेस का होता है जैसे कि हमारे बॉडी में भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलरार और मल्टी सेलुलरार सो ऑर्गेनिज्म चाहे एक सेल से बना हो मीस यूनिसेलुलरार या ऑर्गेनिज्म चाहे मल्टी सेल से मीस मेनी सेल से बना हो मल्टी सेलुलर हो शो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें होगी वो दिखाएगा विद देयर सराउंडिंग सराउंड के साथ वो एक्सचेंज करेंगा मटेरियल को जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम रेस्पारेशन करता है जिसमें क्या होता है एक्सचेंज होता है ना तो so, बाहर के वहाँ अंदर अंदर के बाहर एक्सचेंज होता है एज वेल एज बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और सेल सो उसके साथ ही साथ वो क्या करेगा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करेगा किसके साथ बॉडी पार्ट्स के साथ भी और बाहर के मीन्स बॉडी से जो छोड़कर जो बाजी बाजू के जो यहाँ पर एनवायरमेंट है उससे भी वो क्या करेगा तो यहाँ पर उसको ट्रांसपोर्टेशन करेगा लेकिन जो बॉडी पार्ट है उससे भी वहाँ उसके बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ये बात इन्होंने बताई है देन ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड द एनिमल्स बाय डिफ्यूजन किससे होता है तो डिफ्यूजन से होता है किससे होता है तो डिफ्यूजन से होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स बिटवीन द सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है कैसे द मेकेनिज़्म इज़ सुटेबल वेयर द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी इज लार्ज सो मेकेनिज़म किसको को सूटेबल होगा जिस पर सरफेस एरिया लार्ज होगा जिसका सर्फेस एरिया यहाँ पर बड़ा होगा उस पर जो है सूटेबल है अच्छा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ बॉडी इन द ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली स्मॉल और जिसमें क्या होगा तो डिफरेंस जो होगा उसके बॉडी पार्ट्स के बीच में कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर कोई यहाँ पर ब्लड हम ले लेते हैं तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए ओके डिस्टेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ऑर्गेनिज्म इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल उसे हम बोलेंगे साइक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाजम शोज बाय ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो साइक्लोसिस है ये क्या है तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है स्ट्रीमिंग बोले तो यहाँ पर स्ट्रीम मीन्स यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं फ्लो स्ट्रीमिंग ओके वो होगा स्ट्रीमिंग के अंदर एंड ये क्या है साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग है कौन सा साइक्लोसिस जिसमें क्या होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं जैसे कि पैरामोशियम हो गया उसके बाद अमीबा है रूट हेयर सेल्स है एंड मिनी प्लांट्स एंड डब्ल्यू बी सी इन एनिमल्स क्या शो करते हैं साइक्लोसिस जिसमें साइटोप्लाज्म मूव होता है स्ट्रीम होता है वन सेल से अनदर सेल्स के अंदर कौन सो साइटोप्लाज्म ओके देन इट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल्स ये कैसा ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द सेल सो ट्रांस इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर विद इन द सेल्स और इंट्रा इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सो इंट्रा एंड इंटर में क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट होता है यहाँ पर इंट्रा सो इंट्रा बोले तो एक ही सेल के अंदर एंड इंटर बोले तो दो सेल के अंदर इंटर एंड इंट्रा में आप जो है यहाँ पर डिफरेंस आप ध्यान में रखो सो so, इसमें क्या होता है विद इन सो इट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन विद इन अ सेल विद इन द सेल एक ही सेल के अंदर होता है इसलिए हम इसको और में क्या नाम उसको बोलते हैं हम इंट्रा सेलुलरार इंट्रा सेलुलरार ट्रांसपोर्ट बोलते हैं एंड इन द स्पॉजेस एंड सेलेंटरेट कोलेंट्रेट्स सो सिलेंटोरेट्स एंड जो स्पांजेस होते हैं स्पॉन्जेस वो पोरीफेरा एंड कोलेंट्रेट्स जो फाइलम है उसके अंदर क्या आते हैं सो so, इसमें क्या होगा सराउंडिंग वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटीज सो बॉडी कैविटीज़ मीनस ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है और वो वाटर के अंदर रहता है और जिसमें क्या होता है उसके बॉडी में दो पोर्स रहते हैं एक होता है ऑस्ट्रिया देता है ऑस्कुलम ऑस्टिया से अंदर आता है वाटर एंड ऑस्टिया ऑस्कुलम से बाहर जाता है सो so, इसमें क्या होगा तो यहाँ पर बॉडी कैविटी उसके अंदर कैविटी बोले तो स्पेस है कैविटी बोले तो यहाँ पर क्या होगा तो स्पेस होगा सो so, ये जो है आप ध्यान में रखो ये बेसिक है कैविटी बोले तो स्पेस ओके देन इन फ्लैट वर्म्स फ्लैट वर्म्स इन्स प्लैटी फाइलम के फ्लैट वर्म्स सो देर इज अ पैरेंचाटल सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा तो पैरेंचाटल सर्कुलेशन इन राउंड वर्म्स देर इज नो ब्लड वेसल्स सो फ्लैट वर्म में यहाँ पर पैरेंचाटल सर्कुलेशन रहेगा लेकिन राउंड वर्म्स के अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल्स अपसेंट रहेंगी एंड द बॉडी फ्लूड इज मूव अराउंड द विसेरा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल सो बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्शन होकर ही यहाँ पर फ्लूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जैसे कि इसमें ब्लड वेसल्स अपसेंट है ब्लड वेसल्स नहीं है तो बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड उससे ही क्या होगा तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा मिनरल्स का और इसलिए मिनरल्स और अदर ब्लड का उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलार मींस सेल को छोड़ के दूसरे पार्ट जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर मदद कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में प्लेस हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलार ट्रांसपोर्ट जो कि हो रहा है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल एंड मसल्स मसल्स एंड बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मीन्स ये जो सेल है उसको छोड़ के अदर पार्ट्स है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ओके okay? सो so, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टूअर चैनल थैंक यू सो मच